तो दोस्तों मंदिर दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप हिमालय की पीक्स देखें, हिमालय की चोटियाँ जिन पे हल्की हल्की सी आपको बर्फ दिख रही होगी, ये चोटियाँ जो हैं पहले की तुलना में कम बर्फीली हो गई हैं। तो जी आपने देखा हिमालय, और अभी आप देखिए मंदिर, तो मंदिर के दर्शन करिए। अभी हम हैं मेन गेट पे, जो भतनेश्वर महादेव का मेन गेट है वहाँ पे हैं, तो यहाँ से अंदर बढ़ते हैं। बाकी लोग सब अंदर हैं, बस मैं ही थोड़ा बाहर बाहर टहल रहा था अभी तक। ओम नमः संभवाय चमय भवाय च नमः शंकराय च मेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः श्री श्याम सदाशिवाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी शंकराभ्यां नमो उमा महेश्वराभ्यां नमो गौरी महेश्वराभ्यां नमो। हमारा सहयोग है इस भतनेश्वर में सबसे ज़्यादा आस्था रखने वाला गांव लदुड़ा। आज अपने साल भर में जो अपना भोग लगाते हैं इस मंदिर में, वो उस भोग को लगाने भी आए हैं, और बीच में तुमने देखा कि कार्य भी हो रखा है यहाँ पर, तो श्रमदान भी कर रहे हैं। श्रमदान भी कर रहे हैं, तो बता दिया दोस्तों इन्होंने पूरी बात बता दी है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर वत्थर ला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज है बहुत ही बढ़िया दिन, कार्तिक पूर्णिमा है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारी ग्राम सभा लदुड़ा का भंडारा यानी कि भोग लग रहा है भतनेश्वर महादेव मंदिर में। तो दोस्तों भतनेश्वर महादेव मंदिर जो है सोमेश्वर घाटी का एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है जो कि चोटी पर बसा हुआ है। तो सुबह 8 बजे हम निकले थे घर से, अभी बज गए 9:30, रास्ते में है अभी पहुँचे नहीं है। काफ़ी सारे लोग मेरे से आगे निकल गए हैं और काफ़ी सारे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रुक गया था। मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं आधे रास्ते में हूँ और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको सभी लोगों से मिलाया जाएगा, मंदिर के भी दर्शन कराए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी आज की वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आप भी कभी भतनेश्वर महादेव मंदिर आए हैं तो कमेंट में अपना अनुभव लिख सकते हैं। बाकी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये देखिए जो बरसातों की हरी घास होती है वो आजकल सूख कर जो है सुनहरी हो चुकी है, एकदम सुनहरी। और ऊपर पहाड़ है, कुछ लोग वहाँ पे जा चुके हैं ऊपर यहाँ टॉप में, और बाकी आसमान का हाल देखो एकदम नीला। पहाड़ के पीछे आपको एकदम नीला आसमान दिख रहा होगा, बहुत ही नीला आसमान है, साफ मौसम है। और ऊपर जैसे जैसे हम ऊँचाई पर आ रहे हैं नए नए पौधे भी दिखने को मिल रहे हैं। ये देखो ये बांज का पेड़ है, और नीचे नीचे चीड़ होता है, ये चीड़ है दोस्तों। और ऊपर आप जैसे जैसे हम ऊँचाई में जाएंगे अलग अलग तरह के पेड़ भी मिलेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग सब पहुंच गए हैं आगे, मैं ही थोड़ा आराम से जा रहा हूं पीछे से वीडियो बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बढ़िया से मंदिर के दर्शन कराते हैं। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मंदिर दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप हिमालय की पीक्स देखें, हिमालय की चोटियाँ जिन पर हल्की हल्की सी आपको बर्फ़ दिख रही होगी, ये चोटियाँ जो हैं पहले की तुलना में कम बर्फीली हो गई हैं। अगर मैं अपने बच्चों को याद करूं तो इनकी बर्फ़ कम से कम 50% कम हुई है, क्योंकि जो जहां पे आपको हल्का भूरापन दिख रहा है ऊपर, वो पूरी बर्फ़ से ढकी रहती थी पहले जब हम सर्दियों में आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो बर्फ़ है पिघलते पिघलते बस टॉप पे रह गई है। तो एक चिंता का कारण है, लेकिन फिर भी दृश्य बहुत अच्छा है। चिंता का कारण है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दोस्तों बहुत असर पड़ा है पहाड़ों पे, हिमालयाज पे। ये देखिए चट्टानें जो हैं जो बर्फ़ से ढकी रहती थी वो एकदम खाली खाली हो गई हैं, सूखी सूखी, लेकिन फिर भी जैसी भी हैं अच्छी लग रही हैं। लेकिन अच्छा लगता अगर इसमें और ज़्यादा बर्फ़ होती, हो सकता है आने वाले दिनों में बर्फ़बारी हो तो ये सारी बर्फ़ से फिर से भर जाए, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ इनमें नहीं है, आप देख ही रहे होंगे मेरे कैमरा में। हालांकि मैंने बहुत जूम किया है, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा आ रहा होगा दोस्तों कि इसमें बर्फ़ जो है कम हो गई है काफ़ी, नहीं तो ये सारी जो चट्टानें हैं जो पहाड़ हैं बर्फ़ से एकदम ढके रहते थे। तो अभी मैं ऊपर हूँ और यहाँ से हम जाएंगे मंदिर की ओर। तो दोस्तों भतनेश्वर मंदिर को हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बढ़िया सी चोटी दिखाते हैं, और जो सेंटर वाली चोटी है सबसे ऊंची, इस पे बना है पिनाथेश्वर मंदिर जिसको हम कहते हैं पिनाथ। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आज मेला लगता है पूर्णिमा के दिन। और बच्चे तो अभी बच्चे भी आ गए हैं यहाँ पे देखने के लिए हिमालय। देखो क्या कौन कौन है, नाम बताओ आप।
मैं हूँ बब्बू। हाँ ये तो कब बुला ना। हाँ मैं हूँ रिया। तो रिया है, बब्बू है, कंचन है, सब बच्चे हैं। दीपांशी और दीपांशी ये सब लोग ये लाए हैं एक गैजेट ऑनलाइन मंगा सो तू दीपू को लिया आर्मी वोटी मिल रहा से चोरी करने से यहाँ हिमू का है क्या तो ये है बायनाकुलर। क्या है ये बायनाकुलर है से हिमालय को देखेंगे यहाँ से और फिर बताएंगे कैसा दिख रहा है। देखो पहले बताएंगे कुछ देखे हिमालय पकड़ तो देख पकड़ने मैं हिमालय को पकड़ा हूँ। देखो ये मेरे हाथ में आ गया हिमालय। दिखा दीदी पूजा राशि। तो जी आपने देखा हिमालय और अभी आप देखिए मंदिर। तो मंदिर के दर्शन करिए। अभी हम हैं मेन गेट पे जो भतनेश्वर महादेव का मेन गेट है वहाँ पे है। तो यहाँ से अंदर बढ़ते हैं। बाकी लोग सब अंदर हैं, बस मैं ही थोड़ा बाहर बाहर टहल रहा था अभी तक। तो अंदर जाते हैं, काम वाम भी हो रखा होगा। और यहाँ पे आजकल दोस्तों वैसे भी काम लगा हुआ है, मतलब यहाँ धर्मशालाएँ बन रही है क्योंकि आने वाले समय में भागवत होनी है। तो यहाँ पहले से ही काम हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। ये देखो ये है भैरवनाथ मंदिर। तो जहाँ भी महादेव का मंदिर होता है वहाँ पे भैरवनाथ महाराज जी का मंदिर भी होता ही है हर जगह। तो ये थोड़ा श्रमदान कर रहे हैं गांव की महिलाएं। कुछ देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे और पेड़ के नीचे दो सहेलियाँ बैठ के देखो क्या चुगली कर रही है। तो ये है दोस्तों पुराना धर्मशाला। अभी इस बीच भी धर्मशाले बन रहे हैं और ये भगवती मंदिर है और ये है मंदिर मेन मंदिर जो है ये वो है। और वैसे जब मंदिर होता उससे पहले यहाँ पे शिलाओं की पूजा होती थी, तो आज भी शिलाओं की पूजा होती है। मुख्य रूप से भतनेश्वर महादेव में जो ये पुरानी शिलाएं हैं इन्हीं की पूजा की जाती है। लेकिन फिलहाल कुछ साल पहले यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना के वहाँ पे भी मूर्ति की स्थापना की गई है। ये देखिए ये है भगवान शिव की मूर्ति। तो ये धुनी है और ये पूरा मंदिर का इलाका है और ये शिलाएं हैं इनकी पूजा होती है यहाँ पे पवित्र शिलाएं। और वहाँ चंदा फाड़ रहे लकड़ी, तो लकड़ी के टुकड़े यहाँ तक आ रहे हैं। तो आपको दिखाते किस तरह से भोग लगने की जो है तैयारी की जा रही है। ये देखिए दोस्तों भाई जितना उड़ से इस तरह से जो है लकड़ी फाड़ी जा रही है। ठीक है ये है चंदा। चंदा बाकी लड़के कहाँ गए कल वाले पता नहीं है आपको? गिन आप लाए कहाँ से? नौ से लेके आए गिन। तो इतना बड़ा कल गिन मतलब लकड़ियाँ ये लड़के लोग लेके आए हैं। ये देखिए मदंदा है, भोंदा है, सभी लोग आ रखे हैं। यहाँ पे जो भोग आ रखा है गांव से वो खाली किया जा रहा है। तो अभी आपको कूड़ा का वाड़ा भी दिख रहा होगा हल्का फुल्का, लेकिन ये सब साफ हो जाएगा कुछ टाइम बाद। पहले सब खाली होगा, सबके घर से आया हुआ भोजन भोग खाली किया जाएगा। और यहाँ है दोस्तों रसोई। तो यहाँ पे रसोई है, यहाँ सारा भोग बनेगा। तो मुख्यतः आज चावल का भोग लगता है, जो चावल अभी हमने खेतों से इकट्ठा किया है असोच के नए महीने में, इसी का भोग लगता है। तो नए अनाज का भोग हम लगाते हैं हर छः महीने में। जो छः महीने में फसल होती है चावल की एक बार और एक बार गेहूँ की, उसका यहाँ पे भोग लगाया जाता है। तो उसी की तैयारी चल रही है। गंग शांति पुरुषा भी शांति राप और शांति रौखद और शांति वनस्पति और शांति विश्व दीपाह शांति ब्रह्म शांति सर्वगंग शांति शांति दीप शांति श्यामा शांति रीरि जतु जतः समीहसी ततोन्वभृगुसन्न कुरु प्रजाभ्यो श्रीमन् महामंगल मूर्तये नमः। ओम सम्मुखाय नमः। सम्मुखस्य अभिदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबो दृष्ट विघटो विघ्नाशो विनायको धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भाचंदो गजानन द्वादशी तानि नामानि यः परेषु यादपि विद्यारंभे विवाहे च परिवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च बहुविघ्नते सिंजायति विघ्नबल्लि कुरारा श्रीमन् महागणाधिपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं भीगवर्णं शुभांगमं
लक्ष्मी कांतम कमलन नयनम योगपुर ध्यान गम्यम हम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोके नाथम श्री विष्णु वे नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिनी नमस्ते केशवानंदं वासुदेव नमोस्तुते वासुनां वासुदेवस्य वांछित भुवनचिदं सर्वभूतभाषिणां वासुदेव नमोस्ते श्री वासुदेवान् मेहिटिकेशानमजनार्जनाय नमः ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपति रक्ष मे तनयम कृष्णम तामहम श्रनाथि बालकुबाल देवी पुत्राय श्री कृष्णाय नमः ओम नमः संभवाय च मयि भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः श्री श्याम सदाशिवाय नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवानी शंकराभ्याम नमो उमा महेश्वराभ्याम नमो गौरी महेश्वराभ्याम नमो सर्वे पुंडिकाक्षाय नमः पुंडिकाक्षाय नमः पुंडिकाक्षाय नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः अभाविद पवित्रो वा सर्वावता पुंडिकाक्षं सर्वाया भ्यंतर सुजी सर्वं पवित्र मेसो तंबड़ी फूल पकड़िया के अक्षत पकड़िया हरि ओम महा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ध्यान भगवान नम परमात्मा श्री ब्रह्म पुष्मा प्रसभ्या जम्बुक द्वीपी भरतखंडी आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्री हिमत प्रत्यादि श्री ब्रह्म द्वितीय प्रार्थी श्री श्री द्वारा नाम प्रथम कल्पी बवस्वत नाम ज्येष्ठाभिक्षत मे कलिगे कलिगश्य प्रतिपद्य अवर्षे कालिक्त नाम संवर्षे दक्षिणे शरद ऋतु तुलार्के कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे शुक्ल यथा योग लग्न करण तिथि नक्षत्र मुहूर्त वासना शुभश्याम भृगवासनायामश्याम शुभाश पौर्णमाश्याम दिव्यामशुतो विष्णु व्यक्ता मसासना नसने अभी तथो विराट जायज विराजो अधिप्रख सजातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथोपर तस्माद्ञा सर्वभूत संप्रदम प्रकृता जम पुष्टा चक्री पाइप्या ग्रहमाचरी तस्माद्ञा सर्वभूत ऋच सामान्य जगरी छंदा गंस जगरी तस्मात्मा तस्मात्स्वा अजयंत चीकीचु भयात गाबु जगरी तस्मा तस्मा जाता जाभम तंजग्ञ बहिर्कन प्रोक्षण मग्रत तीन देवा अजयंत साध्यादिखय चति यद पुरुषम कथिता विकल्प मुखम मुखम किम हश्या किम बाहु किम रूपादावचति ब्राह्मणोषि मुखमाशीद बाहुराजन्य कृत उरु तद्वश्याम पदभागवं सूर्यो जायत चंद्रमा मनसु जात चक्षु सूर्यो जायत श्रुता दायित प्राणाम जननाभ्या आसीद अंतरिक्षुगं शिवशुदेह समर्थ पद्भ्याम भूमि दिशत लोकान कल्पयन भिखा देवा जज्ञ मतनत वसंतो शासीताजम ग्रीष्म श्रद्धवे सप्तस्या सन्न परिदस्त्री समितकृता देवा जंतन्वान अवंधनम परखन पशुम जज्ञ मई चंद देवा स्थान धर्म प्रतिमाशंति नाकम मेहमान स्वतंत्र पूर्वी शाद्या। तो दोस्तों पूजा हो गई है पूरी, फिलहाल यहाँ पे धर्मशाला बन रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ के बच्चे भी थोड़ा थोड़ा श्रम कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको धर्मशाला कहाँ पे बन रहा है। ये तो दोस्तों पत्थर है सारे ऊपर तुड़वाए गए हैं, यहाँ पे बन रहा है धर्मशाला नया वाला, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों ये धर्मशाला यहाँ पे बनाया जा रहा है। कद भाई कद को छू हुआ ये 18x18 का, 18x18 का ये धर्मशाला यहाँ पे बन रहा है। 15.5 गर्भ होगा लगभग। अच्छा मतलब अंदर की जगह 15.5 हाँ वो निकली। ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे चैत्र में वो है, क्या बोलते हैं उसको, महाशिव पुराण का आयोजन का सोच रहे हैं। महाशिव पुराण है ना, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं ताकि भक्तों को रहने में दिक्कत ना हो। वैसे है यहाँ पुरानी धर्मशाली लेकिन एक और नया बनाया जा रहा है, ये देखिए इस तरह का काम यहाँ पे चल रहा है। तो गांव के बच्चे भी आए थे कुछ, वो भी थोड़ा पत्थर वत्थर ढो रहे ऊपर से, यहाँ बैठे थे खाली, उनको भी काम पे लगा दिया गया है। हमारे लिदुड़ा गांव से श्रमदान कर रहे हैं बच्चे, हाँ भोग लगाने भी आए हैं और यहाँ पर अपना योगदान भी देना चाहते हैं कि भगवान के मंदिर में हमारी भी आस्था पहुँच जाए। तो खाली टाइम था उनका भोग लगने के बीच में, उन्होंने कहा हम तब तक पत्थर ढोल देते हैं, दो चार चक्कर भी आ जाएगा तो बहुत हुआ। हमारा सहयोग इस भजनेश्वर में सबसे ज़्यादा आस्था रखने वाला गाँव लदुड़ा, आज अपने साल भर में जो अपना भोग लगाते हैं इस मंदिर में वो
उस भोग को लगाने भी आए हैं और बीच में तुमने देखा कि कार्य भी हो रखा है यहाँ पर, तो श्रमदान भी कर रहे हैं। श्रमदान भी कर रहे हैं, तो बता दिया दोस्तों इन्होंने पूरी बात बता दी है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर वत्थर ला रहे हैं। तो दोस्तों अभी भंडारा शुरू हो गया है, देख सकते हैं जो यहाँ भोग लगा था। पहले भगवान शिव को चढ़ता है, उसके बाद भक्तगण खाते हैं। तो बढ़िया से खा रहे हैं। हिमू भाई है हमारे, सुबह साथ आए हम। हिमू भाई कैसा बना है खाना? बढ़िया बना है। वैसे भी दोस्तों जंगल में आने के बाद खाने का अलग ही मज़ा है। ये देखिए वहाँ करण भी है, वहाँ सोनू भाई अकेले बैठे हैं दीवार पे। हम थोड़ा लेट हो गए, ऊपर गए थे इस वजह से। ये देखिए तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और मंदिर से आ गए हैं वापस वतिनेश्वर से। तो मतलब भोग खा के और बर्तन वर्तन धो के सारा सफाई उफाई करके वापस आ गए हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसी भी आपको लगी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए आप लोग। जय श्री राम, टाटा।